बहुत खूब, बहुत ही शानदार प्रस्तुति इन नन्नी मुन्नी बालिकाओं द्वारा यह प्रस्तुत की गई। अगला सांस्कृतिक कार्यक्रम भावना और नेहा। भावना और नेहा शुभारंभ। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भावना एंड नेहा। Art, it's an expression of your inner self. Wow. Re baap, kya baap? Nahi. Balaji Dampar, Ram Swarup Ji Gujar. Hanuman Ji Indora. JK Saab. Bhavarlal Ji Indora. मैं जिन जिन महानुभावों के नाम ले रहा हूं, अगर आप पधार चुके हैं तो मंच की ओर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। माधु जी गहलोत, राम प्रसाद जी सैनी, नवरतनमल जी पार्षद, सागर जी सिंगोदिया, चंपालाल जी जैन, छोटू जी शर्मा, प्रेम प्रकाश जी मुरावतिया और प्रकाश जी बाकर, अगर आप लोग पधारे हैं और भी कोई महानुभाव पधारे हैं तो मंच की ओर पधारने का कष्ट करें। आप सभी से निवेदन है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगली कड़ी है दक्षिता। दक्षिता ये भी एक पैरोडी है, तो दक्षिता अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है। दक्षिता जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। सागरमल जी जो मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष जी हैं, आपकी ओर से दक्षिता और ₹100 का पुरस्कार
जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई। हाँ, दोनों को ही दिया जा रहा है भाई, जोर से ताली बजाएं। वो क्या कहते हैं ना, मकराना में मूर्तिकारों की कमी नहीं है, परबतसर में काले कोट वाले सलाहकारों की कमी नहीं है, नावा में कलाकारों की कमी नहीं है, पर त्रिमूर्ति मंदिर की इस पावन धरा पर भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। जोर से ताली में स्वागत करो भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है। अगला कार्यक्रम दक्षिता को 100 रुपए का और पुरस्कार दिया जा रहा है। दक्षिता यहां ले, गोगा देवी सिंगोदिया की ओर से ये दक्षिता यहां अपना इनाम ले, वो उनको दे देना। हाँ, घर को माल घर में। क्या बात है भाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो रहा है साहब। अगला प्रोग्राम है हिमांशी एंड खुशी, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, हिमांशी एंड खुशी। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हेलो, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। राधा कैसे ना जले, हिमांशी एंड खुशी द्वारा ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने देखा। और इसके बाद अगला प्रोग्राम है भावना और नेहा, वो तो कृष्णा है। भावना और नेहा मंच की ओर पधारे। जिसकी दीवानी ब्रिज की है बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है, जो है अलबेला मदमेना बाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की है बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई, दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किस्मत से मिलती है भूल के हर पल, हो किस्मत की माला की जपती है वो जोगन, गौतम जी जय।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति, वो तो कृष्ण है भावना और नेहा जो मान भाऊ नहीं पधारे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच की ओर पधारे हैं। और जो भी ये बच्चे लोग हैं प्लीज आप यहाँ आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, सभी सभी आगे आ जाओ, ये जगह खाली करो, सामने आ जाओ आप, सभी से निवेदन है सामने आ जाएं आप, जगह खाली है। हमारे बीच अभी जो मेहमान पहुंचे हैं, रामप्रसाद जी, सैनी साहब, वीर सिंह जी और जो भी मेहमान पहुंचे हैं, आप सबका हम मंदिर विकास समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी बहुत है, बहुत लंबा कार्यक्रम है, आप मेहरबानी करके आराम से बैठ जाएं, सभी का नंबर आएगा। किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, ऐसे ही कलाकार तैयार नहीं होते हैं, इनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जो इतने कम समय में इन कलाकारों को जो तैयार करके आपके सामने प्रस्तुति दे रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहूंगा जो इन कलाकारों को इतने कम समय में तैयार करके ऐसी शानदार प्रस्तुतियां दिलवा रहे हैं। वाकई काबिले तारीफ है, एक बार ताली बजाकर स्वागत करें भाई उनका। इतने छोटे समय में इन नन्हे मुन्ने बच्चों को तैयार करना और मंच पे खड़ा करके इनसे कार्यक्रम दिलवाना वाकई काबिले तारीफ है, बहुत बहुत धन्यवाद है इनको। अगला कार्यक्रम है मैया यशोदा, बहुत शानदार प्रोग्राम, मुस्कान, पूनम और रितिका, मैया यशोदा अगला कार्यक्रम। और जो भी मान भाव पधारे हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है आप मंच की ओर पधार जाएं। शायद हो सकता है मैं नाम से कुछ पहचान न पाऊं। यस ओके टेक। अगला सांस्कृतिक कार्यक्रम है लड्डू। क्या बात है भाई, आज लड्डू गोपाल का जन्मदिवस और लड्डू मीकू, सोम्या और तनु, राधा कृष्णा, जो भी मान भाव खड़े हैं आगे पधार जाए आप। कृष्ण 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 सबकी लाज सबकी सुनी हम
हरे यानी पूरन की जय देव के नंदन तुमको वंदन रखते सबकी राज सबके स्वामी अंतर यानी पूरन की जय काज मन मंदिर में सजे बिहारी मन मोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मन मोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास बजैया तारुं हार मेरे तुम ही के वैया तुमसे बड़ा कहां कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नंदन तुमको वंदन करते सबकी आज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन की जय काज लीला परम पाए तेरी तुम अखंचूर कहावे महासागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे तुम कसारा श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बहुत खूब बहुत खूब कितने भी कंस आ जाए झुकेगा नहीं साला छका अगला कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमारे जो मेहमान पधारे हैं हम राजस्थानी परंपरा के अनुसार ये जो प्रोग्राम लड्डू मिकू सोम्या और तनु इनको जेके साहब की ओर से 100 रुपए नगद पारितोषी के रूप में दिए गए हैं बच्चियां आए जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई बहुत खूब ये बच्चों का उत्साहवर्धन और आप लोगों का प्यार है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोगों को देखने को मिल रहा है वाकई बहुत बहुत धन्यवाद है भामाशाहों का भी तो मैं जीतमल जी से निवेदन करूंगा कि एक बार वो मंच की ओर बधाएं जीतमल जी अगला प्रोग्राम तैयार है भाग्यश्री पायल छनकाई भाग्यश्री अगला प्रोग्राम शुरू हो रहा बहुत खूब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आपने देखा तो हम कुछ बीच में रुके थे हमारे जो मेहमान यहाँ पधारे हैं हम आप सबका राजस्थानी परंपरा के अनुसार शाफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे समिति की ओर से मैं नाम बोल रहा हूँ अगर हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हों राम प्रसाद जी झंवर साहब मौजूद नहीं अभी गौतम जी जैन साहब आपका शाफा पहनाकर स्वागत करेंगे सोहन जी बंशिया और माला पहनाएंगे सागर जी सिंगोदिया साहब सोहन जी मंच की ओर तैयार हैं
सोहन जी बनस्तिया और सागर जी सिंगोदिया, गौतम जी जैन साहब का शाफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में गौतम जी जैन साहब का स्वागत किया जा रहा है। जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई। तालियों में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, अरे ताली वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। जोर से ताली बजाएं भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है। दीपक जी तंवर साहब अगर आए हुए हैं, दीपक जी तंवर साहब, रूप सिंह जी चौंडिया, रूप सिंह जी शेखावत साहब आपका स्वागत करेंगे। भंवर जी बनस्तिया और टोनी जी सिंगोदिया, रूप सिंह जी का स्वागत करेंगे शाफा और माला पहनाकर। भंवर जी शाफा पहनाएंगे और टोनी जी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। रूप सिंह जी शेखावत साहब चौंडिया स्वागत करें भाई। स्वागत की अगली कड़ी में रामस्वरूप जी गुर्जर साहब हमारे बीच पधारे हुए हैं। बालाजी डंपर आपका आपका स्वागत करेंगे रवि जी सैनी और जीतमल जी जांगिड़। जीतमल जी जांगिड़ आगे आए भाई। रवि जी सैनी और जीतमल जी शाफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे रामस्वरूप जी गुज्जर साहब का। गुज्जर साहब का नाम लेते ही मुझे मेला फिल्म याद आ जाती है। आएगा भाई आएगा, गुज्जर रहेगा, मेला भरेगा जैसा मेला आज है। जोर से ताली बजाएं भाई, तालियों में कंजूसी नहीं बरते। बिल्कुल स्वागत की अगली कड़ी में भंवरलाल जी इंदौरा साहब पधारे हुए हैं। हनुमान जी इंदौरा साहब है, सीताराम जी है, सीताराम जी का स्वागत करेंगे। बिरधी चंद जी टूंडवाल और तीर्थराम जी सिंगोदिया, बिरधी चंद जी टूंडवाल साहब स्वागत के लिए आए। सीताराम जी का स्वागत करें, तीर्थराम जी सिंगोदिया और बिरधी चंद जी, हाँ एक ही बात शाफा पहनो। चिरंजीलाल जी टांक माला पहनाए भाई।
चिरंजीलाल चिरंजीलाल जी टांग माला पहने आनंद जी स्वागत की अगली कड़ी में जेके तंवर साहब आपका स्वागत करेंगे। जेके तंवर साहब सोहन लाल जी बनिष्ठिया साहब जेके तंवर साहब का स्वागत करें आप शाफा पहनाकर और माला पहनाएंगे चिरंजीलाल टांग जिनके मैं नाम बोल रहा हूं आप लोग तुरंत मेहरबानी करके जल्दी से तैयार है कार्यक्रम काफी लंबा है अभी। इस बीच हमारे बीच जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई युवा नेता युवाओं की धड़कन प्रकाश जी भाकर पधार चुके जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई प्रकाश जी का। आज के हमारे युवा नेता हैं और इनके काम भी बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं कि इनके जो प्रशासनिक कार्यक्रम जो इनका कार्यक्रम चल रहा है वाकई काबिले तारीफ है। स्वागत की अगली कड़ी में राम प्रसाद जी सैनी साहब आपका स्वागत करेंगे मेघराज जी चौहान और माला पहनाएंगे ओम जी बनस्तिया। राम प्रसाद जी सैनी साहब का शाफा पहनाकर स्वागत करेंगे मेघराज जी चौहान और माला पहनाएंगे ओम जी बनस्तिया। प्रकाश जी हमारे युवा दिल की धड़कन प्रकाश जी भाकर साहब बता रहे हैं। सभी महानुभावों से मेरा एक बार पुनः निवेदन है आप पंडाल में आ जाएं। एक बार पुनः जोर से प्रकाश जी भाकर साहब का ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें भाई। तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। जो महानुभाव पीछे खड़े हैं आपसे अनुरोध है आप आगे आ जाएं। आज प्रकाश जी ने कीमती समय हमारे लिए निकाला है। हम आपका मंदिर विकास समिति की ओर से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जी शाफा पहनाते हुए क्या बात है भाई क्या बात है। हाँ हमारी मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि प्रकाश जी का माला पहनाकर आप भी स्वागत करें। प्रकाश जी स्वागत की अगली कड़ी में वीर सिंह जी सोलंकी आपका शाफा और माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। वीर सिंह जी सोलंकी साहब हरि कृष्ण जी वकील साहब चौहान साहब और प्रकाश जी तूंदवाल शाफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे वीर सिंह जी सोलंकी साहब का ताली बजाकर स्वागत करें भाई।
स्वागत की इस कड़ी को हम यही रोक रहे हैं अभी। स्वागत अभी मानवाओं का और भी होगा। इस बीच हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं आपको। पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम वापस शुरू किया जा रहा है। जो भी अगले कलाकार हैं तैयार रहें। कृष्णा कृष्णा बहुत खूब मुकुंदा मुकुंदा आपने कभी नाम सुना है मुकुंदा? ये हमारे कृष्ण भगवान का एक नाम है। जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई मुकुंदा मुकुंदा। हाँ आगे आ जाओ आप सभी आगे आ जाए कार्यक्रम का आनंद लें आप। श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है त्रिमूर्ति विकास समिति की ओर से वाकई काबिले तारीफ है। हर साल की तरह इस साल भी ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और भव्य रूप में मनाया जा रहा है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कलाकारा है कशिश। पैरोडी कार्यक्रम है कशिश। नाम में अगर कशिश है तो फिर प्रोग्राम में भी कशिश होगी। तो देखिए प्रोग्राम कशिश द्वारा पैरोडी कशिश। कशिश द्वारा ये पैरोडी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई। इस बच्ची के हाव भाव गौर कीजिए। आपने आपने तीन चार गानों की एक मिक्स मेलोडी सुनी थी। हाव भाव देखिए वाकई काबिले तारीफ है। तो अगला कार्यक्रम दिव्यांशी तैयार है स्टेज पर पधारे। दिव्यांशी भंवरलाल जी इंदौरा साहब पहुंच गए हैं। एक मिनट रुक जाना है। भंवरलाल जी इंदौरा साहब हमारे बीच आ गए हैं। आपका शाफा और माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। भंवरलाल जी इंदौरा साहब का स्वागत करेंगे मेघराज जी तूंडवाल। ओम प्रकाश जी कुमावत
भवनलाल जी का शाफा और माला पहनाकर स्वागत करें मेघराज जी कुंडवाल और ओम प्रकाश जी कुमावत। ओम जी कुमावत माला पहनाकर स्वागत करें भाई। जिनके मैं नाम ले रहा हूं प्लीज मेहरबानी करके तैयार रहे। जवान जी सिंगोदिया पहुंच जाए साहब। जवान जी सिंगोदिया हेमराज जी टाक ताली बजाकर जोर से स्वागत करें भाई। देखिए एक बार पहले भी मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूं, अरे ताली वो नहीं बजाते थे तो भूखा हो आज बजाओ क्या। अरे ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई कम होता है, ताली वही बजा सकता है जिसकी बाजुओं में दम होता है। जोर से ताली बजाकर स्वागत करो। जो मेहमान हमारे बीच यहां पहुंचे हुए हैं, मैं सुनीता जी से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच की ओर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। सुनीता जी बीचर मंच की ओर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। ये जो कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को एक छोटे से रूप में शुरू किया गया था। आज इसका भव्य जो आप ये भव्य रूप देख रहे हैं, वाकई ये मोहल्लेवासी इस कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं, आप सबका सहयोग और बाहर से भी जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं उन्होंने भी सहयोग किया है। तो आप लोगों से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस धर्म के लाभ में अपनी आहुति दें और ज्यादा से ज्यादा इस धर्म में हमारा सहयोग भी करें। आप लोगों से यही आशा है। इसके साथ में अगला कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। सुनीता जी हमारे बीच पहुंच चुकी है, एक बार जोर से ताली बजाकर स्वागत करते हैं सुनीता जी का। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे भीड़ हो रही है ज्यादा, आगे आ जाए आप। नहीं यार सब्जी वाला की बात बोली, सब्जी वाला फिर गली के मायने क्यों रो भीड़ लागी, रो भीड़ लागी बात भीड़ वाली बात बोली बट एक ही गोंदे हुए अटे भीड़ लागी लारा देखो थे हाँ देखो देखो छाक कर देखो बटी ने ओ हो तो पूरे बाणू विरोधी के मन तो अरे आ जाओ भाई आगा जाओ आगा जाओ आगा जाओ सगला। सांस्कृतिक कार्यक्रम का अगला कार्यक्रम शुरू हो रहा है। दिव्यांशी द्वारा ये कार्यक्रम दिया जा रहा है। छोगोड़ा क्या बात है भाई।
सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी रात सारी सारी बहुत खूब बहुत ही शानदार कार्यक्रम ये दिव्यांशी सिंगोदिया द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी है। हमारे बीच प्रधान जी सुनीता जी बीच पहुंची हुई है, आपका शॉल पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। सावित्री देवी जी इंदौरा और किरण जी चौहान, किरण जी चौहान और सावित्री जी इंदौरा आए और सुनीता जी का शॉल पहनाकर स्वागत करें। और प्रधान प्रतिनिधि अजय जी भीचर साहब भी हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत किया जाएगा। मोहनलाल जी कुमावत स्टेज की ओर पहुंचे, मोहनलाल जी कुमावत। तालियों में कंजूसी नहीं, तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए। किसी कार्यक्रम का सफलता तभी मानी जाती है जब कार्यक्रम में ताली बजती है। कृष्ण महाजन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर जितने भी महानुभाव यहाँ पधारे हैं, मंदिर विकास समिति आपका तह दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आप सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हर साल की भांति इस वर्ष भी ये भव्य रूप में आयोजित किया गया है और स्वागत की कड़ी में अजय जी भीचर आपका भी शाफा और माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। अजय जी भीचर गीतमल जी सिंगोदिया और सोनू डिश वाले, अरे आओ किशन जी, का ही बात है। अरे आप लोगों की ये बिल्कुल सेवा है भाई, वाकई। और मैं विशेष तौर से आप लोगों का भी बारंबार धन्यवाद दूंगा, किशन जी डिश वाले। और ये जो माइक सेट लगा हुआ है, वाकई काबिले तारीफ है भाई। ऐसे कार्यक्रम में ऐसे माइक सेट की भी आवश्यकता होती है। जोर से ताली बजाएं भाई अजय जी के लिए। आप लोगों ने यहाँ कीमती समय निकाला है, इसके लिए मंदिर समिति आपका आभार व्यक्त करती है। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगली कड़ी में मानवी
राधा तेरी चुनरी मानवी। मानवी वो मारवाड़ी में किया गया ना बलो मानव, अब मानवी है का बहुत खूब। ये नन्नी मुन्नी कलाकार आपके सामने, वो कौन सा गाना बीच में आया था, टोपी वाले बोल उड़ा, क्या बात है भाई। अगला कार्यक्रम है हिना, प्राची और निकिता, चंदा चमके। हिना, प्राची और निकिता, चंदा चमके। अभी कार्यक्रम काफी लंबा है, आप लोग पीछे क्यों खड़े हो, आगे आ जाओ ना, अरे जगह बहुत होती, आराम से देखो कार्यक्रम का आनंद लो। बहुत ही शानदार ये प्रस्तुति हिना, प्राची और निकिता द्वारा। और इसके बाद अगला कार्यक्रम है साधना राजस्थानी सोडा, साधना राजस्थानी सोडा। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति साधना द्वारा राजस्थानी सोडा। अगला सांस्कृतिक कार्यक्रम है यशस्वी, यस ओके, पैरोडी तेजस्वी, पैरोडी से कह
थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ, देखिए पीछे भीड़ ज्यादा हो रही है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। एक शानदार प्रस्तुति ये नन्नी मुन्नी बालिकाओं द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की गई, यशस्वी तेजस्वी द्वारा ये पेरोडी प्रोग्राम रखा गया था। अगला कार्यक्रम है राधा कृष्णा, ये भी पेरोडी प्रोग्राम है, कलाकार तैयार रहे। राधा कृष्णा ये पेरोडी प्रोग्राम है, थोड़ा सा उस पीछे से भी आगे आ जाओ आप, मेरा हाथ का इशारा देखिए आप, आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ प्लीज, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। अभी प्रोग्राम काफी लंबा है, आप लोग बैठ के शांति से प्रोग्राम का आनंद लीजिए। प्रोग्राम में चार चांद लगाना आप ही लोगों का काम है, और आप लोगों ने जो ये व्यवस्था दे रखी है वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था जो दी आप लोगों को, उस व्यवस्था का पालन करना है। आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। प्रशासन जो हमें सहयोग कर रहा है, हम मंदिर विकास समिति की ओर से प्रशासन का भी धन्यवाद देते हैं। तो अगला कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, ये शुरू हो रहा है राधा कृष्णा, ये पेरोडी प्रोग्राम है, सभी बच्चियां तैयार है और प्रोग्राम भी तैयार है। यस ओके। मैया के दुलारे हैं और यशोदा मैया के लाडले को कहलाते हैं। माखन चोर नाम है उनका, जो गोपियों संग खूब रास रचाते हैं। सबके दिल में बसेरा है, दिन रात उन्हीं का नाम लिया जाता है। वो और कोई नहीं, वो है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरी दुनिया को भगवत गीता द्वारा ज्ञान दिया है। आज है उनका जन्मदिन, जो जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। श्री कृष्ण में तो थी पूरी दुनिया मगन, और उनके जीवन में थी दो दीवानियां, जिनको श्री कृष्ण से थी खूब लगन। एक थी उनके भक्ति में लीन मीरा, जो उनकी दासी कहलाई। एक थी राधा रानी, जो उनकी प्रेमिका कहलाई। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मन राधा नित्य और चढ़ गया उनपे श्री कृष्ण के भक्ति का रंग। पर जब जब श्री कृष्ण का नाम आया, तब तब उनका नाम जुड़ा राधा के संग। राधा कृष्ण को एक दूसरे का साथ खूब भाया, और पूरी दुनिया को उनका प्यार खूब दिल से रास आया। वो कहते हैं ना, प्यार में कितनी बाधा देखी, पर हमेशा श्री कृष्ण के साथ राधा ही देखी। भरने पानी सवर के रे, कान्हा उनको देखे छेड़े, और घोड़े उनकी मट्टी रे। राधा रानी को होती थी जलन। थोड़े माखन खाए फिर भी सब
प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए, महिमा उनकी दुनिया गाए। देव के नंदन तुमको वंदन, रख दे सबके लाज, सबके सुन में अंतर अंगी पूरन कीजे ताज। देव के नंदन तुमको वंदन, रख दे सबके लाज, सबके सुन में अंतर अंगी पूरन कीजे काज। मंदिर में सजे बिहारी, मन मोहन तेरी छवि अति प्यारी। सजे बिहारी, मन मोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारन हार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहा कौन एक नैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। बाप रे बाप, अजगर जा, क्या बात है भाई। सभी बच्चे हैं, रुक जाएं, सभी बच्चे हैं स्टेज पे, रुक जाएं। देखिए इन बच्चियों ने इतना शानदार प्रोग्राम दिया है, एक बार इन मेहमानों की तरफ से और हमारी ओर से जोर से ताली बजाएं आप सभी। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम रहा इनका, वाकई तहे दिल से सलाम है इनको, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी कलाकार ये बच्चियां यहां भाग ले रही हैं, उन सभी बच्चियों को, जितनी भी बच्चियां हैं उन सभी को भंवर लाल जी इंदौरा साहब, जर जोर से ताली बजाइए भाई। भंवर लाल जी इंदौरा साहब की ओर से 3100 रुपए पारितोषिक के रूप में दिए जा रहे हैं। एक बार डबल ताली बजाए भाई। सभी बच्चियों को ये इनाम स्वरूप दिए जा रहे हैं भंवर लाल जी इंदौरा साहब की ओर से। और मंदिर विकास समिति की ओर से जो हमेशा की तरह जो इनाम रखा गया है वो मोमेंटो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा सभी को ये भंवर लाल जी इंदौरा साहब की ओर से 3100 रुपए का इनाम दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम शुरू हो रहा है, यशस्वी कुमकुम लक्ष्मी रात सुहानी, ये अगला कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यक्रम नंबर 19 है। हमारे जज कार्यकर्ता साहिबान ध्यान दे। और अगला कार्यक्रम देखो, हमारी विकिता के लिए हमारे मेकअप आर्टिस्ट को चेयर पे चढ़ना पड़ा। बहुत खूब, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम। अगला कार्यक्रम है झलक निखिल, वो तो कृष्ण है। झलक और निखिल अगला कार्यक्रम स्टेज पर आए। अभी प्रोग्राम काफी लंबा है, शांति बनाए रखें। रचाए मुरली बजैया रास रचैया, शाम
जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही, प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर पल पल, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। बहुत खूब। अगला प्रोग्राम है भाग्यश्री हर्षा और भूमि गजबण। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है। इनकी हौसला अफजाई के लिए आप तालियों की बराबर बौछार करती रहें। गजबण चौधरी रेंडी सोने की घरवाई, चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, रेंडी सोने की घरवाई, गले में जंती गेर के ने टोकनी चांदी की आठाई, रूप कति निखरा पाटिया जिक्र बहु की मारगी काली, दमन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती, झुमके भी दिखे से महंगे पटिया कोन्या तोल कती, पायल भी प्यारी लगे और खुड़का भी अनमोल कती, झुमके भी दिखे से महंगे पटिया कोन्या तोल कती, को हासी करे बदमाशी नाक में नकली या डाली, दमन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती,
बहुत खूब बहुत ही शानदार गजबन पानी न चाली रहे। अब अगला प्रोग्राम है दिव्यांश, हिमेश, हनुमान और गौतम। अगला कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमारे बीच प्रशासन की ओर से पधारे हैं, आपका भी स्वागत किया जाएगा। ऐसा ही साहब मुमताज खान जी आपका छाफा और माला पहनाकर मंदिर विकास समिति की ओर से स्वागत किया जाएगा। भंवरलाल जी तुंदवाल और मेघराज जी तोलाराम जी तुंदवाल आपका छाफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मुमताज खान साहब, ऐसा ही साहब जो हमारे बीच बधा रहे हैं, सुरक्षा का जिम्मा आप लोगों ने यहाँ पर उठाया। मंदिर विकास समिति आपका बारंबार धन्यवाद। अगला कार्यक्रम पेरुडी है, दिव्यांश, हिमेश, हनुमान और गौतम। क्या बात है भाई, देखो पहली बार कुछ परिवर्तन हुआ है भाई, पहली बार कुछ परिवर्तन हुआ है। आज पूरा दिन निकल गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आज मैं बरसे ही को नहीं। अब बरसा लो, मैं जोर से ताली बजाओ भाई, परिवर्तन हुआ है। हाँ, प्रोग्राम शुरू करें। पेरोडी जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर पल, किसना की माला की जपती है वो जोगन। बहुत खूब, गीता जी सोलंकी अगर पधारे हैं तो मंच की ओर आ जाएं। इस बीच मैं सभी
धर्मप्रेमी बंधुओं से एक मार्मिक अपील करूंगा, गायों का कोरोना लंपिंग जो ये रोग आया हुआ है, 36 करोड़ देवी देवता गाय माता के शरीर में वास करते हैं। हम लोगों का एक दावित्य है, जितना संभव हो, इसका इलाज तो अभी हमारे पास नहीं है, फिर भी जितना संभव हो हम इनकी सेवा करें। विशेष तौर से माताओं और धर्मप्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है, आप लोग जितना संभव हो सके गायों की सेवा अवश्य करें। एक कोरोना की तरह एक बीमारी आई हुई है गायों में, जगह जगह गायों का जो ये एक तरह से मोक्ष धाम ही हो रहा है, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आप जितना सहयोग हो सके उन गायों की सेवा के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे बीच प्रेम प्रकाश जी मुरावतिया साहब पधारे हैं, जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई प्रेम जी का। प्रेम प्रकाश जी मुरावतिया साहब, धर्म प्रेमी बंधु। तो अगला कार्यक्रम शुरू हो रहा है, अगला कार्यक्रम नीरू और करिश्मा स्टेज पर बता रहे हैं। नीरू और करिश्मा ये भी एक पेरोडी है शायद, नीरू और करिश्मा। अब आप बोलिए कहीं मन को ठाकुर थोड़ी बैठे कहीं बोलिए बेटा मन तो यहाँ नहीं था बड़ी भाई कृष्ण भगवान वो जन्म लेने अरे जेड़ में बिता हुआ और आगे माता को बाप को यहाँ बोलो आई बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार कशिश द्वारा कशिश जो नाम है नाम में कशिश के काम का तो मैं नहीं किया। अगला प्रोग्राम हर्षा एंड दीपिका मैया यशोदा, मैया यशोदा हर्षा एंड दीपिका स्टेज पर आए और अपनी प्रस्तुति दे। हमारे भी हमारे विधायक महोदय ऊपर आपके मुरादों का और प्रेम प्रकाश की मुरादियां भी पहुंच चुके हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच की ओर पधारें और अपना आसन ग्रहण करें। विधायक महोदय साहब पधार चुके हैं, जोर से तालियों द्वारा स्वागत किया जाए विधायक महोदय। विधायक महोदय साहब जोर से ताली बजाएं और कार्यक्रम की पर आप पधारे हुए सभी मेहमानों का और भक्त प्रेमियों का मंदिर विकास समिति बारंबार धन्यवाद और स्वागत करती है। मैं दीपक जी डांगड़ी आ जाए और जसवंत जी कुंडवाल आप ही यहाँ आ जाए स्टेज के पास। हमारे बीच विधायक महोदय पधारे हैं, सोहनलाल जी बनिष्ठिया, सोहनलाल जी बनिष्ठिया आप भी बना रहे हैं। दीपक जी जसवंत जी दीपक जी जाएंगे। मैं जिनके नाम ले रहा हूं कृपया जल्दी करें, अभी प्रोग्राम काफी लंबा है। भंवरलाल जी कुंडवाल साहब आप आ जाए, कन्हैयालाल इंदौरा आप भी आ जाए। हमारे विधायक महोदय का शाफा और माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। विधायक जी के अम्मा बूढ़े हो गए, विधायक जी तुम्हारे पहले
ताकि पहली पहली लोगों ने होनी होनी शाफा और माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है रूपाराम जी मुरावतिया साहब का। ताली बजाकर स्वागत करें भाई, तालियों में कोई कंजूसी नहीं बरते। सोहन जी बनस्तिया साहब माला पहना रहे हैं राजस्थानी परंपरा के अनुसार। भंवरलाल जी टूलवाल साहब शाफा पहनाकर विधायक मोदी का स्वागत किया गया। दीपक जांगिड़, दीपक जांगिड़ स्वागत की अगली कड़ी में प्रेम प्रकाश जी मुरावतिया। प्रेम प्रकाश जी मुरावतिया साहब का शाफा और माला पहनाकर मंदिर विकास समिति की ओर से स्वागत किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का अगला प्रोग्राम अभी वैसे हमारे जैसे जैसे मेहमान आ रहे हैं स्वागत किया जा रहा है, तो बीच बीच में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जारी रहेगा। अगला प्रोग्राम है गोविंदा एंड टीम। गोविंदा एंड टीम तैयार रहें। गो 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 गोविंदा। तालियां जारी रहे, तालियां जारी रहे, तालियां जारी रहे। बहुत खूब, बहुत ही शानदार प्रोग्राम। इस बीच हमारे बीच पहुंचे हैं सीआई साहब प्रमोद जी। प्रमोद जी शर्मा साहब सीआई साहब आए हैं, आपका मंदिर विकास समिति की ओर से स्वागत है। मंच की ओर बता रहे हैं आप। इस पूरी टीम को माधुजी गहलोत साहब की ओर से 200 रुपए पारितोषी के रूप में दिए जा रहे हैं। जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई। भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। तो सीआई साहब आ चुके हैं हमारे बीच। लंच, हाँ बिल्कुल। दीपक मोबाइल, महावीर जी पारिक साहब का भी मंदिर विकास समिति की ओर से स्वागत किया जा रहा है। ये रक्तवीर हमारे मकराना में आसपास में जो इनकी टीम काम करती है, तो इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं मंदिर विकास समिति की ओर से। माला और शाफा पहनाकर स्वागत किया जाए। हेलो भाई, ये माधु जी गहलोत साहब की ओर से पूरी टीम को है दूध पीने के लिए। अगला प्रोग्राम आराध्या, ये कुछ चेंज है इसमें। आराध्या वो तो कृष्णा है, इस प्रोग्राम को पहले लिया गया है, तो ध्यान दे जजमेंट। आराध्या Thank you.
शाम से लौटा है वो जो है अलबेला मद नैनों वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है वो किसना है वो किसना है गोपाल जी डाक और नरेश तुंडवाल स्टेज के पास आए। नरेश तुंडवाल और गोपाल जी डाक स्टेज के पास आ जाए। गोपाल जी दगदी टांक स्टेज के पास पहुंचे भाई। गोपाल जी दगदी टांक और नरेश जी तुंडवाल हमारे बीच। ₹100 प्रकाश जी और ₹100 कन्यालाल जी इंदौरा की ओर से आराध्या को ये पुरस्कार के रूप में दिए गए हैं। जोर से ताली बजाकर स्वागत करें और आराध्या अपना ये पुरस्कार प्राप्त करें। हाँ साहब बड़े गौर से सुन लो दुनिया। ₹5100 मंदिर विकास समिति को श्री राम जी बीचर साहब की ओर से दिए जा रहे हैं। जोर से ताली बजाकर स्वागत करें भाई। ₹5100 श्री राम जी बीचर साहब आपकी ओर से मंदिर विकास समिति को दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और महावीर जी का पारिक साहब का स्वागत किया जा रहा है। गोपाल जी टांक और
नरेश जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच सीआई साहब प्रमोद जी शर्मा आप भी पहुंचे हैं, आपका भी मंदिर विकास समिति की ओर से स्वागत किया जा रहा है। सोहन जी बनिष्ठिया और भवनलाल जी तुंदवाल आप आए और प्रमोद जी शर्मा साहब का शाफा और माला पहनाकर स्वागत करें। अगला कार्यक्रम कलाकार तैयार रहे, यशस्वी है यशस्वी, नजर तो है यशस्वी, तैयार रहे। अभी प्रोग्राम और बाकी है, शांति बनाए रखें। सीआई साहब का स्वागत किया जा रहा है, सोहनलाल जी बनस्टिया और भवनलाल जी तूंदवाल साहब शाफा और माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं सीआई साहब प्रमोद जी शर्मा जी का। बहुत खूब यशस्वी। इसके बाद अगला प्रोग्राम है लक्ष्मी, लक्ष्मी अगला प्रोग्राम। माधुराम जी गहलोत साहब की ओर से यशस्वी को इस शानदार अभिनय पर, हाँ इसकी टीम को है भाई, ये अपना 100 रुपये का पुरस्कार माधु जी गहलोत साहब की ओर से। हाँ लक्ष्मी अगला प्रोग्राम। बोल दिया। अब अगला प्रोग्राम है पूजा, काले कान्हा पूजा आ जाए, पूजा पूजा काले कान्हा। मैं बहुत ही शानदार अभिनय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और अगला कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं अनुरोध करूंगा प्रधान जी से, सुनीता जी बीचर यहाँ आए कि वहीं से दे देंगे दो शब्द से हमें आशीर्वाद दे। जय श्री कृष्णा। आज जन्माष्टमी जन्म उत्सव के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी स्नातियों को मेरा सादर नमन। मंच के माध्यम से सभी विराजमान जनप्रतिनिधिगण, एमएलए साहब, बाकी को मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन सम्मानित सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, छोटी छोटी बच्चियों, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस धार्मिक कार्यक्रम में मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, जो आत्मीय व्यवहार हमारे पूर्वजों से जिस प्रकार श्री कृष्ण से मिला, उसी प्रकार मुझे आज यहाँ का वातावरण देखने को मिला। आप सबको मालूम है एक माँ हर एक बच्चे को कहना कह के बुलाती है,
काना जो नटखट होता है, जो शरारती होता है, माँ को परेशान करता है, उसी प्रकार एक छोटा सा काना मेरे साथ भी आया है, परेशान करने लग गया है। अभी इसको घर जाने की जल्दी है। मैं और रुकना चाहती थी आपके साथ, लेकिन अभी बच्चे के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा, आप लोग इस प्रकार के कार्यक्रम हर साल करते हैं, मैं चाहूँगी कि मैं हर साल यहाँ आके आप लोगों का आशीर्वाद ग्रहण करूँ, आप लोगों से मिलूँ और आप लोगों का सहयोग यूं ही बना रहे। साथ में मंदिर परिसर आयोजनकर्ता, आयोजन समिति, सभी कार्यकर्ता भाई लोगों को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। छोटी छोटी नन्नी मुन्नी बालिकाएं, राधिकाएं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की है। इन्हें ट्रेंड करने वाली मैडम को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चों को स्टेज पे आने का हौसला कोई दे सकता है तो वो होता है एक मैडम, टीचर, शिक्षिका, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। साथ में अगर माता पिता का सहयोग और आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों का जो साथ देते हैं, बहुत ही अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे आज इस इतने महानुभवों के सामने स्टेज पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ये हौसला आज इसी समय से इनमें उजागर होना बहुत ही अच्छा है। ये आगे जाकर ये जो नन्ही कलियां हैं, ये एक दिन देश का नाम रोशन करेगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगी। साथ ही माताओं बहनों की तादाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हर क्षेत्र में आजकल हम सब भागीदारी बन रहे हैं और हमें हमेशा आगे ही रहना है। क्यों, जिस प्रकार कृष्ण के साथ में राधा थी, उसी प्रकार ईश्वर बिना नारी के अकेला रहता है। आप सबको मालूम है हर ईश्वर के साथ नारी का होना आवश्यक है। इसी प्रकार हमारे देश में भी नारी का हमेशा सम्मान हुआ है, सम्मान करना है, आगे बढ़ना है। साथ ही साथ संस्कारों को लेके, जिस प्रकार कृष्ण जी अपने गाँव में रहते थे, वहाँ अपने काका बाबा पड़ोसी नहीं बोलते थे, काका बाबा दादाजी ये सब बोलते थे, तो उस चीज़ से हमें एक आत्मिक जुड़ाव मिलता है। जिस प्रकार मैं आई तो अभी मेरे को भाभी जी बोल रहे हैं, मैं कोई भाभी जी नहीं हूँ, लेकिन उनके बोलने का जो भाव है वो मेरे दिल को छू गया। इसी प्रकार एक आत्मीय संबोधन मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जो संस्कार हैं हमारे, उन्हें हम बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ेंगे साथ में लेके। आज इस कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर आप सबका फिर से धन्यवाद, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ टाइम बाद में कृष्ण जन्मोत्सव के विधिवत रूप से जन्म उत्सव मनाया जाएगा। मंदिर में एक कृष्ण लल्ला की नाटकीय प्रस्तुति प्रस्तुत की जाएगी, उसके लिए मुझे भी घर जाके तैयारी करनी है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, मुझे जाना है। आपको एक बार पुनः शुभकामनाएँ, दिल से धन्यवाद, राम राम साहब, शुभकामनाएं। बहुत ही एक शॉर्ट एंड स्वीट रूप में आपने पूरा अध्याय खोल के रख दिया कृष्ण जन्मोत्सव का। तो मैं सुनीता जी भीजर साहब का, हमारे विकास समिति की ओर से हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ आएँ और धर्ममय माहौल में एक धार्मिक भावना के साथ आपने हम लोगों को दो चार बातें ज्ञान की बताई, इसके लिए आपका बारंबार आभार। अगला कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मधुबाला, शुभ दिन। मधुबाला आ जाएं, शुभ दिन। अभी समय है तो इस समय का लाभ सभी को लेना है। धर्म का लाभ तो हम ले रहे हैं, समय का लाभ भी लें। मधुबाला, शुभ दिन। स्वागत करावे
बाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परिहारी रे शक्कर भांपो झाकी झाको शुभ दिन आयो बहुत ही शानदार प्रस्तुति। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ये कार्यक्रम जो आपके कॉलोनी वासियों या मोहल्ले वासियों की ओर से आयोजित किया जा रहा है, हर साल आयोजित होता है, लेकिन एक विशेष बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, सभी लोग एक मिनट भाई साहब बंद कर दो इन्हें, हेलो, सभी लोग प्रेम से इस कार्यक्रम को देखते हैं। हमें भी हार्दिक खुशी होती है कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ होता है और हम दौड़े हुए यहाँ आते हैं। लेकिन एक चीज मैं आज अवश्य कहना चाहूँगा आप लोगों से, किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं रखे। एक आदमी कार्यक्रम कर रहा है, उससे गलती हो सकती है, जैसे कि मान लिया जाए किसी का नाम नहीं लिया गया। अक्सर ये बातें आती है कि साहब मैंने तो याद ही कौन करे, ये बात आप मन से निकाल दो। आयोजन समिति जो ये कार्यक्रम कर रही है उसके मन में कोई मेल नहीं है। हाँ, हो सकता है भूल से किसी का नाम रह जाता हो या किसी का नाम नहीं लिया जाता हो, तो एक गलती हो सकती है। उस गलती के लिए आयोजन समिति और हमें, मैं भी बोलने वाला हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, हम लोग आपसे क्षमा चाहते हैं। कोई किसी प्रकार से ये बातें नहीं कहें कि साहब मेरा नाम नहीं आया, मेरे को माला नहीं पहना दी थी, मेरे को छाफा नहीं पहनाने दिया या मुझे याद नहीं किया। ये आप लोगों का कार्यक्रम है और आप लोगों की ही जिम्मेदारी है, और इसका भव्य रूप जो आप देख रहे हो ये आप लोगों की देन है। इसके लिए मैं आपको बारम्बार धन्यवाद भी दूंगा और साथ में ये एक नसीहत भी दूंगा कि किसी प्रकार से कोई द्वेष भावना नहीं रखे। धन्यवाद। अगला कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच हमारे एमएलए साहब यहाँ पहुँचे हुए हैं, श्रीमान रूपाराम जी मुरातिया साहब, मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद रूप में और इस कृष्ण जन्मोत्सव पर दो शब्द कर अनुग्रहित करें। श्रीमान रूपाराम जी मुरातिया साहब,
सबने मारी तरफ हूँ आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामना। मैं आज सौभाग्यशाली हूँ, किस्मत वाला हूँ, कई प्रोग्राम में आप मन बुलाए और मैं शामिल हूँ। मंच पर विराजमान हमारे बेटी समान मकराना पंचायत समिति की प्रधान सुमिता भींचर सीआई साहब, भाई तोलाराम जी और रूप जी मारो छोटो भाई प्रेम और महावीर जी को ज़्यादातर लोगों को खून काटवा में माहिर है और लोगों को जिंदगी बचावा में भी माहिर है। मैं एक एक को नाम लेऊं मंच पर विराजमान बार भाई तो कहो जिया, कोई को नाम नहीं लेऊं तो नाराज मत हो जो, क्योंकि अब सगला को नाम मैं कहता को नाम जानूँ तो शक्लू जानूँ, लेकिन सब बड़ी बात है मंच पर विराजमान के साथ में सगला सुन वाली मारी बहना, मारी छोटी छोटी पोतियाँ समान बेटे समान बच्चा, और आज बच्चा के वो गाबा को प्रोग्राम है। ये धर्म के माध्यमों ये साहब गीतों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों ने जो धर्म के और धार्मिक गीत गाकर नृत्य किया है वो काफ़ी सराहनीय है। मैं नाचवो तो कौन जानूँ लेकिन नाच वाला मन छोका लागे, दूसरी संगीत मन अच्छो लागे। मैं भी था को बनायोडो विधायक हूँ, जन नायक हूँ, लायक हूँ और मौको पड़िया गायक हूँ और कता ले रहा हूँ कहे नालायक हूँ, पाँच छः नाम है। तो मैं आप सबने एक मौका पर दो मिनट ही बोलूं, क्योंकि ये प्रोग्राम में छोटा छोटा बच्चों को जो को नृत्य हो भाव हो भी के बीच में मैं कोनिया बोचाऊँ या इनका। मैं प्रधान बेटा मैं अट 1994 में पहली बार आयो, MLA बन हुई हूँ मैं 94 में, 28 साल होगा बीच में कटाई, 2 साल पहली कोरोना आयो, तू भी को नहीं आयो, तो कोरोना आयो जरा कोई को नहीं आया, आप कोरोना ही हो बीटे में एकलो ही हो। ये मौका पर मैं कहूँ आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत बड़ा उपदेश दियो है, मारी बेना सुने भाई सुने, बडेरा जगह मारा छोटा भाई और बडेरा मारा बड़ा जगह ने मारो श्याम रामा श्यामा, छोटा भाई बेटा समान है जगह ने मैं आशीर्वाद शुभकामना। जीवन दोबारा कोनी आवेलो, कृष्ण भगवान क्यों है धर्म की खातर धर्म की रक्षा की खातर आपा ने हर टाइम तैयार रहनु है, और धर्म का ही है सनातन धर्म हिंदू धर्म और राष्ट्र की एकता अखंडता के बारे में ये जगह छोटा बच्चा कौन सुने समझे को नहीं, लेकिन आप सुनवाड़ा लोग जानो जगह ने कहूँ, अगर आपा ने सुखी रहनु है आपा ने परिवार के मायने भाईचारा की भावना रखनी है, देश ने मजबूत रखनु है, तो सब पहली सनातन धर्म हिंदू धर्म और यूं पहली राष्ट्र धर्म आपने गीता में साफ क्यों है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्र की रक्षा के लिए अपन तैयार रहनु चाहिए। बेटा बार थे आया प्रोग्राम देखियो कीर की सीकर जाओ कि दिवरे ने जिटाने राजी रोली सासू लड़ोली नहीं, और आपस में देवरे जेठ सुसरा जी ने मान सम्मान करोला, धीरे धीरे जो को आज प्रोग्राम तो हुए थे धीरे धीरे सब नाचे कूदे भी है, बट अगर आप घर जा रही प्रोग्राम को आनंद जद ले अपने फायदो जद मिली जद अपना परिवार के मायने आप एक दूसरा का सदस्यों को मान सम्मान करा इज्जत करा, इस खातर है आज गाबा को प्रोग्राम है गीत गाबा को है, लेकिन आदमी मनु कद गाई मनु राजी कद रही, गलत कामा की तरफ मत जाओ छोका काम करो, जो आदमी छोका काम करी छोका मर बूंदा में सब समझा आप, जो छाने करार कोई ने नहीं कहवा वो तो है गलत, जो काम छाने करार कोई ने नहीं कहवा वो गलत है, और सबके सामने कहवा छाती ठोकर कहवा मैं करियो वो सही है, सही गलत की इतनी पहचान है। तो आप सब ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद मन बुलायो, मैंने ये मौका पर भगवान श्री कृष्ण को आज जन्म है 1994 में आयो उठे, कृष्ण भगवान संबंधी मैं गीत जानू को नहीं, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया
छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया मदन गोपाल छोटो हो नटकट हो माकन चोर हो अवतारी हो तो आपने एक बार फिर मैं कहूँ जिंदगी वो जीवन दोबारा को नहीं मिले लो चाहे राजनीति में रहो चाहे घर को काम करो चाहे व्यापार करो चाहे खेती को करो चाहे फौज में हो चाहे नौकरी में हो सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ते रहो और एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहूँ था मैं सही गलत को फैसलो वही है जो को आदमी छो का कर्म करी गलत नहीं करी वो सदा ही हंसतो रही सदा ही गातो रही और आपाऊँ गलती हो जावे और बी के बाद में एक गलती हूँ शिक्षा ले आप आगे बढ़ फिर आप छो को काम करा तो आपने फिर भगवान माफ कर दे हुए तो मैं आज कहूँ थाने लोगों ने मन बहुत खुशी है सनातन धर्म जिंदा रहे सुरक्षित रहे हम धर्म के लिए हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जिंदा रहे आने वाला समय क्या कैसे आने वाला है वो सबको धीरे धीरे पता लग रहा है हम सब सभी धर्मों के साथ साथ में हमारे धर्म की रक्षा करे ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा है और इस जन्मदिन पर आपको और हमको सबको एक ही चीज सीखनी है हे पिता परमेश्वर सांवरा सेठ मैं आपने भगवान कृष्ण के माध्यम हूँ राम जी महाराज ने कहूँ कृष्ण भगवान ने कहूँ हे पिता परमेश्वर हे कृष्ण भगवान हमारा क्षेत्र का लोगा ने कॉलोनी का लोगा ने जगह हमारी बात सुने सुनवा का आगे और कोई कहे बन सदा सुखी राग जे निरोगा राग जे संपत्ति राग जे आपस में और मान सम्मान दीजिए और बेसदा शोर रहे ई आशा के साथ में आपने बहुत बहुत धन्यवाद राम राम सा कृष्ण भगवान की जय हो बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी कुमावत और बालकिशन जी सिंगोदिया तूंदवाल सॉरी बालकिशन जी तूंदवाल यहां मंच की ओर पधारे अभी और भी प्रोग्राम है देखिए वो बच्चे इंतजार कर रही है दीपिका नीरू एंड कृष्णा गोरी मटकी कार्यक्रम के लिए तैयार हैं स्टेज पर आ जाएं बहुत ही खूब ये 100 रुपए का पुरस्कार जो अभी बालिकाओं ने ये कोरी कोरी मटकी फोड़ी है ये मटकी फोड़ने पर दूध पीने के लिए दे जा रहे हैं भाई ये मटकी फोड़ने का इनाम है आपका माधु जी गहलोत साहब की ओर से अगला प्रोग्राम ये लीलन वाला पहले ले रहे हो या इन बच्चियों का ले रहे हो लीलन इनका ले लो कृष्णा आ जाओ स्टेज पे कृष्णा और दिव्यांशी कृष्णा और दिव्यांशी हेलो बाबूलाल जी चौहान जो हमारे प्रवक्ता है हर साल अपनी सेवाएं देते हैं बोरावड से चलकर यहाँ आते हैं उनका सम्मान करेंगे माधु जी गहलोत और बालकिशन जी तूनवाल जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए अपना कीमती समय निकालकर देखिए इस संगीतमय कार्यक्रम जो कृष्ण जन्मोत्सव के पर्व पर यहाँ सांस्कृतिक रूप आयोजन के रूप में जो आयोजित किया जा रहा है हमारे इस लिस्ट के मुताबिक सारे कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं अब
एक हैप्पी बर्थडे श्याम, अब भाई वो अंग्रेजी नाम है, जन्मदिन मुबारक है श्याम जी। हाँ तो हैप्पी बर्थडे श्याम, सभी डांस करेंगे इस पे, सभी को डांस करना है। तीसो कौन मिला ला भाई, इमें तीसो कौन नहीं है, आ सेवा है सभी। हैप्पी बर्थडे श्याम, ये डांस होगा अपनी जगह पे ही, अगर कोई डांस करे तो कोई मनाही को नहीं सा। हैप्पी बर्थडे श्याम। अभी हमारे पास 8 मिनट का समय है, एक गाना है, बिल्कुल आने दो। लीलन, अरे वाह भाई, आ लीलन, एक लीलन गाड़ी चल रहा है मागे। अगला प्रोग्राम है लीलन।